जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टेक्सटाइल टेक इंद्रजीत यादव चैनल में आपका। और आज चर्चा होगी पिगमेंट डाई क्या है। तो आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया होगा, और तो चलो चलते हैं, चर्चा करते हैं पिगमेंट डाई के ऊपर कि पिगमेंट डाई क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पिगमेंट डाई के बारे में आज चर्चा करेंगे। बाकी धीरे धीरे सारी डाई आपको मैंने बताई दी हैं संक्षिप्त में। और पिगमेंट क्या है और ये कैसे यूज करते हैं, किन फैब्रिक पे यूज होता है। तो दोस्तों पिगमेंट क्या है, पिगमेंट एक कलर सब्सटेंस है, कलर मटेरियल है। ठीक है, बहुत सारे कलरों का ये मटेरियल है पिगमेंट। और ये जो है इनसॉल्युबल डाई है, इनसॉल्युबल कलर मटेरियल है जो कि पानी में घुलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, पानी में ये घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल है। और किन चीज़ों पे ये यूज करते हैं पिगमेंट डाई जो है, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि पिगमेंट प्रिंटिंग और पिगमेंट डाई, ये प्रिंटिंग की तरह आप सोच लो कि या मान लो कि ये प्रिंटिंग की तरह ये काम करता है। ये इनसॉल्युबल है तो ये घुलनशील है, घुलता नहीं है पानी में। और हमारे गारमेंट में जब ये घुलता नहीं है, और डाइयाँ जो होती हैं क्या करते हैं कि वो कुछ प्रोसेस के द्वारा उन्हें इनसॉल्युबल से सॉल्युबल बना लिया जाता है। इसमें क्या ये कलर जो है मटेरियल है, कलर सब्सटेंस है, तो इनको जो है कैसे यूज करते हैं, इनको जो है फैब्रिक पे, गारमेंट पे बाइंडर के द्वारा यूज करते हैं। ठीक है, बाइंडर का मतलब चिपकना और उसको फिक्स करना, अटैच करना, और उसके द्वारा इसको यूज करते हैं, कलरों को यूज करते हैं, पिगमेंट को यूज करते हैं, पिगमेंट कलर को यूज करते हैं फैब्रिकों पे बाइंडर के द्वारा। और तुम ये एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि जैसे कोटिंग करना। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, पिगमेंट डाई जो होगी वो हमारे जो फैब्रिक है, जो हमारे फाइबर हैं उनके अंदर तक नहीं जाती। क्या होती है, उनकी सतह पर चिपक जाती है वाई बाइंडर के द्वारा, उनकी सतह पर, गारमेंट की सतह पर ये चिपक जाती है, पेंट हो जाती है। ठीक है, ये घुसती नहीं है, इनसॉल्युबल है। और आप सोच रहे होंगे कि जैसे और डाइयों की तरह ये क्या होता है कि उनके फाइबर में, उनके मोलिक्यूल में अंदर जाके फिक्स हो जाए, घुस जाए, सॉल्युबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पिगमेंट में क्या होता है, ये गारमेंट के ऊपर यानी सरफेस पर यानी सतह पर ये क्या होती है, पेंट, लाइक ए पेंट की तरह ये हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके कलर बहुत अच्छे होते हैं और देखने में बहुत ही सौंदर्य लगते हैं, और ये जो है अट्रैक्टिव कलर होते हैं। और अगर आप सोचें कि ये इसका जो है वॉशिंग प्रक्रिया या ज़्यादा घर्षण बल से ये जो ख़राब भी हो जाते हैं जल्दी से, डल भी हो जाते हैं जल्दी से। ठीक है, ज़्यादा वॉशिंग से क्या होता है, ये जो है छूटने लगती है। और तुम कह सकते हो कि पिगमेंट, अगर कोई गारमेंट पिगमेंट से डाई हुआ हो और उसको एक पिगमेंट डाई का जो भी गारमेंट है उसको ले लो, और एक हमारा नॉर्मल डाई का जो भी गारमेंट है उसको ले लो, दोनों अगर एक साथ वॉश करेंगे, अगर कहीं डालेंगे, तो ये जो है हमारी पिगमेंट डाई का जो है ये कलर छोड़ भी सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा इसको घर्षण देंगे तो ये जो है वहाँ से हट भी सकता है, क्योंकि ये जो है फिक्स किया गया है बाइंडर के द्वारा। ये इनसॉल्युबल डाई कलर सब्सटेंस है, ये जो है उसके अंदर घुला नहीं है, उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है ये उसके ऊपर लाइक कोटिंग सा हो जाता है, प्रिंट सा हो जाता है, जैसे प्रिंट होती ना, कोटिंग होती ना, उसकी तरह ये लाइक कोटिंग की तरह उस पर फैब्रिक पे चढ़ जाता है, सतह पर।
अगर कभी आप इसका आप देखेंगे तो फैब्रिक, कभी कोई गारमेंट उठा के देख लेना, उसको देखना, तो उसके जो अंदर के फाइबर है ना तो जिस कलर में होंगे, जैसे सपोज करो कॉटन का है तो कॉटन का जो है वो वाइट ही कलर में रहेंगे अंदर से अगर निकाला जाए, क्योंकि ये जो है हमारा पिगमेंट डाई जो है उसकी सतह पर लाइक प्रिंट प्रिंट की तरह उस पर डाई होगी, लाइक प्रिंट या कोटिंग की तरह रहेगी, उसके अंदर घुसेगी नहीं, ठीक है, डिजोल्व, और उसके अंदर जो है सोल्यूबल नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो पिगमेंट डाई जो है सारे मुझे लगता है कि सब पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसको ऐसा तो है नहीं कि किसी के अंदर जाके वो हो जाए, तो कॉटन पे भी हो जाता है, थोड़ा पॉलिस्टर है और जो भी फैब्रिक है उनमें सारे में वो यूज कर लिया जाता है, क्योंकि ये प्रिंटिंग की तरह होता है, तो प्रिंटिंग तो कहीं कैसे भी कर लो, ठीक है दोस्तों। तो पिगमेंट डाई जो है एक सस्ती डाई भी है, लाइक जो हमारी नॉर्मल डाई है उनसे जो है सस्ती है, और ये सब्सटेंस है और कलर सब्सटेंस आप कह सकते हैं है, और ये एंथेटिक्स फैब्रिक पे भी यूज हो जाता है, और ये नेचुरली होता है, ठीक है, ये डाई जो है ये कलर है नेचुरली होते हैं जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज बताया कि पिगमेंट क्या है, पिगमेंट डाई के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया, कि कहीं किसी की कोई पूछे तो बस सीधे से बता दो कि पिगमेंट डाई एक कलर सब्सटेंस है, ये जो है वाटर इंसोल्युबल है, पानी में घुलता नहीं है, और जब भी गारमेंट पे इसकी डाई होती है तो ये बाइंडिंग द्वारा उसकी सतह पर चिपक जाती है, फिक्स हो जाती है, लाइक ए पेंट मान लो, लाइक ए कोटिंग मान लो, ठीक है, इसी तरह से ये पानी में घुलती नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये फैब्रिक में उसकी सतह पर चिपक जाती है, ठीक दोस्तों, बाइंडर द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, जय श्री राम दोस्तों।